हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं AS गार्डनिंग चैनल से अहमदाबाद। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मेरे एडेनियम के सीड्स के बारे में बात करूंगी। पर देखिए, पहले मेरे एडेनियम में कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है और नए नए छोटे छोटे बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये प्लांट एक फ्रेंड्स डिजर्ट रोज़ है, जो कि कम पानी में काफ़ी अच्छा चलता है। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन इसकी वाटरिंग पे ध्यान रखना पड़ता है हमें। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, चाहे वो गर्मियाँ हो। गर्मियों में ही ध्यान रखना पड़ता है, सर्दियों में तो इसे हम 10 से 12 दिन पानी ना दें तो भी ये अच्छा चल जाता है और अच्छी कम देख रेख में खूब अच्छा चलने वाला प्लांट है। और इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि मैं सीड से एडेनियम के प्लांट ग्रो करूँगी, तो मैंने ग्रो किया और देखिए इसके कितना सुंदर रिजल्ट है। और कितना ये 15 दिन पुराना है फ्रेंड्स, इसके कोडेक्स कितने सुंदर निकल के आए हैं। और ये मैंने रेत में ग्रो किए थे, देखिए इसका रिजल्ट इस तरह से है। ये धीरे धीरे ग्रोइंग हो रहे हैं रेत में और ये मिक्स मिट्टी में है। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई कीजिए। अगर कोई क्वेरी है आपको तो ज़रूर से मुझे पूछिए, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा इन प्लांट्स की तरह हरे भरे और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।